नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हमारी टीम आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आई। अगर आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का फिजिकल समाप्त हो चुका है और अब इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कैसी करें, परीक्षा की तैयारी कैसे करें, प्रैक्टिस सेट कैसे करें, कितने नंबर्स आ सकते हैं, क्या क्या रहने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के ऑनलाइन पेपर सेट करने हैं, क्या है ऑनलाइन पेपर सेट, सबसे पहले दोस्तों ऑनलाइन पेपर सेट आपको करना है तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए और आपके स्क्रीन के ऊपर दे रखे होंगे यहाँ पर जो कॉर्नर के अंदर आपको दे रखेंगे, यहाँ पर जो कॉर्नर है ना कॉर्नर के अंदर आपको दे रखे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे तैयारी करनी, क्या करनी, मुझे तैयारी करनी है। दोस्तों ये तैयारी आप सभी के लिए पेपर सेट मैं उपलब्ध कराऊंगा और इसका कोर्स है हम 1 फरवरी, क्या है 1 फरवरी को, दोस्तों कोशिश है कि 1 फरवरी तक आपका इसमें वीडियो है, ऑनलाइन टेस्ट है, वो कोर्स हम आपके लिए कोर्स कर रहे हैं ओनली फॉर दोस्तों 1499 रुपीज RS के अंदर। और पेपर सेट अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हमारा एप्लीकेशन का लिंक हम आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे, वहाँ से हेड कॉन्स्टेबल के पेपर सेट हैं वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, कुछ फ्री के अंदर भी है। और जो हमारे परचेज करेंगे, जो भी टेस्ट परचेज करेंगे उसको पीडीएफ फाइल वहाँ पर आपको फ्री के अंदर मिल जाएंगी। जो भी हम हेड कांस्टेबल के क्रैश कोर्स शुरू करें, क्या करेगा क्रैश कोर्स शुरू करें, जिसके अंदर मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम जीके और साइंस के 30 क्वेश्चन करेंगे। इस 30 क्वेश्चन में आप कितने सही करते हो इसे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे कि हमारा सही क्या है। कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, हर प्रकार की सुविधा है। देखिए सर फिरदौसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजू ए कातिल है, ये नारा किसने दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, देखिए प्रश्न को पढ़िए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, राइट आंसर जो समुद्र गुप्त को कहा जाता है, किसे कहा जाता है समुद्र गुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, सती प्रथा पर रुख पूछा क्या गया कि सती प्रथा का अंत सबसे अधिक प्रयास और समाज सुधारक कहा जाता है, किसे कहा जाता है। यस दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर, इसका राइट आंसर जल्दी से बताएं तो कमेंट्स करें राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूरा कोर्स आपको पूरा कोर्स दोस्तों घर बैठे एप्लीकेशन में वीडियो पीडीएफ टेस्ट वगैरह सब कुछ यहां पर प्रैक्टिस सेट पूरा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप अलग से पेपर सेट खरीदने चाहते हो तो बिल्कुल दोस्तों 149 का एक पैच है जिसके अंदर 10 पेपर सेट है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें और इसे व्हाट्सएप नंबर हमें जरूर कर दीजिए। रामकृष्ण मिशन, दोस्तों रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछा गया है, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है इस प्रश्न को बताइए, कहता क्या है महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है। राइट आंसर दोस्तों हमेशा प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या। दोस्तों सवाल देखिए गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, क्या है मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट देखेंगे गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। यस राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, किसके द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। माई एक्सपेरिमेंट विद द टूथ पुस्तक के लेखक कौन है बताइए, माई एक्सपेरिमेंट विद द टूथ पुस्तक के लेखक कौन है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर महात्मा गांधी, क्या है महात्मा गांधी आपका राइट आंसर है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 8 नंबर प्रश्न इसका राइट आंसर है भारत रत्न, क्या है भारत रत्न आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए। यहाँ पर सवाल पूछा गया है, देखिए सवाल क्या है, सवाल पढ़िए और वीडियो को देखिए, देखिए सवाल क्या कह रहा है, बताइए प्रश्न का राइट आंसर। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में जो सबसे पुरस्कार दिया जाता है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक, दोस्तों भारत का सर्वोच्च वीरता पदक के बारे में पूछा गया। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र आपका राइट आंसर है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसको कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर चार्ल्स बेबेज को। किसे? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लेना है। यस, देखिए अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति, बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या है? देखिए अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। 13 नंबर प्रश्न इस राइट आंसर यूरी गागरिन। क्या है? यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। क्या है? नील आर्मस्ट्रांग आपका राइट आंसर। क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। अगला देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय पूछा गया। यस, भारतीय पूछा है, तो राइट आंसर क्या है? राकेश शर्मा। क्या है? राकेश शर्मा आपका राइट आंसर है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नया नाम कब, देखिए पूछा गया नाम और छोड़ा कब गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आर्यभट्ट है, और 1975 के अंदर छोड़ा गया था। कौन सा है? आर्यभट्ट है, और 1975 के अंदर छोड़ा गया। यस, बिल्कुल। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यस यस, नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्या है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। क्या है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यस, बिल्कुल आपका राइट आंसर। यस, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये सवाल पूछा गया। बताइए जल्दी से, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछा गया। यस दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आ रहा है। यस, इसका राइट आंसर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यस, गैंगा रोग किसकी कमी से होता है? गैंगा रोग किसकी कमी से होता है? पूछा गया है गैंगा रोग किसकी कमी से होता है। देखिए 19 नंबर प्रश्न, और 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आयोडीन की कमी से होता है। देखिए कौन सी ग्रंथि, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का सर्व करती, क्या करती है? इंसुलिन को सर्व करती है। राइट आंसर जी अग्नाशय ग्रंथि कहती है। क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है। डूरंड कप का संबंध किससे है? दोस्तों डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, यह पूछा गया है। राइट आंसर फुटबॉल का। क्या है? फुटबॉल आपका राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध आपका राइट आंसर है। संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को मान्यता दे रखी है?
दोस्तों भारतीय, अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान की बात करें, हम मूल संविधान या मूल अनुसूची की बात करें, 8 अनुसूची में पहले दोस्तों वर्तमान में 22 भाषाएं, कुल कितनी भाषाएं 12 हैं। मूल संविधान में 12 भाषाएं हैं लेकिन वर्तमान में कितनी है 22 भाषाएं। चीन की मुद्रा का नाम क्या है, 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यूनान। क्या है, यूनान आपका राइट आंसर है। रेड क्रॉस की संस्थापक पूछा है दोस्तों, रेड क्रॉस की संस्थापक कौन है, क्या बात है, रेड क्रॉस का राइट आंसर है हेनरी ड्यूनार्क। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग पूछा गया है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। भारत की कोकिला किसे कहते हैं, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू को कहते हैं, क्या कहते हैं, सरोजनी नायडू को कहता है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाए थे, दोस्तों दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के बारे में पूछा है, कुतुबुद्दीन ऐबक किसने बनाए, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाए गए थे। विश्व हिंदू बनारस विश्वविद्यालय, दोस्तों बनारस विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया, इसका राइट आंसर मदन मोहन मालवीय, क्या है, मदन मोहन मालवीय आपका राइट आंसर है। और आज का अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, राइट आंसर इसे चाणक्य कौटिल्य कहा जाता है। दोस्तों हम 499 रुपये की बात करें, इसने इस आरएस के अंदर आपको ऑल पूरा कोर्स घर बैठे पीडीएफ, और दोस्तों पीडीएफ देंगे, वीडियो देंगे, टॉपिक्स वाइज प्रत्येक टॉपिक्स वाइज वीडियो देंगे। जल्दी से हमें कॉल करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए दोस्तों, 31 जनवरी तक आप जितना करना है करवा लीजिए, 31 जनवरी तक हम आपको कोर्स, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे उनको हम लेंगे, उसके बाद में ये आपके सभी के लिए ऑफर है, बहुत अच्छा ऑफर है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी हमें ज़रूर करें। थैंक यू, नई अपडेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।